1875 में मैडम ब्लावस्की और कर्नल ऑलटॉक ने न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी की स्थापना सभी प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के उद्देश्य से की गई। इस सोसाइटी ने हिंदू धर्म को विश्व का सर्वाधिक गूढ़ तथा आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसोफिकल सोसाइटी हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और उसके कर्म सिद्धांत पर बल देती है, साथ ही आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का समर्थन करती है। यह सोसाइटी जाति पाति संप्रदाय लिंग भेद किए बिना मनुष्य के सार्वभौमिक बंधुत्व का प्रचार करने पर बल देती, साथ ही भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव की भावना को विकसित करने में भी इस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी का अडियार में अंतरराष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। 1888 में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई। ऑलकॉट की मृत्यु के बाद 1907 में एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। थियोसोफिकल सोसाइटी, इसका गठन जो किया गया है 1875 में किया गया है, कहाँ पे किया गया है, न्यूयॉर्क में किया गया है। इसका अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय है वो मद्रास के अडियार में है, जो 1882 में बना है। जो थियोसोफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक हैं वो मैडम ब्लावस्की और कर्नल ऑलकॉट हैं। एनी बेसेंट 1888 में इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1893 में वो भारत आती हैं और 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन जाता है। यानी कि जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज का ही परिवर्तित नाम क्या है, आपका BHU है, जिसे हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, जो कब बना है, 1916 में बना है, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बना है।